सुप्रभात, नमस्कार, शब्बा खैर। आपका स्वागत है न्यूट्रल लाइट 360 एपिसोड 12 में। नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि नेहा ने आपको बताया, आज हम बात करेंगे दादी और नानी के नुस्खों की। आप सभी को याद होगा कि हमारी दादी नानी के खाने का स्वाद तो बहुत अच्छा था ही, पर उनके स्वास्थ्य का भी वो एक बहुत बड़ा राज था। उनके खाने में, उनके हाथ में और उनके खाने के पकाने के तरीके में एक जादू था। और ये जादू हम कैसे आत्मसात करें और हम किस तरह से धीरे धीरे सही हमारे जीवन में उसको फिर से प्रवेश करें, ताकि हम फिर उसी निरोगी जीवन का आनंद ले सके, इसके बारे में आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आप उसे रिलेट कर पाएंगे और आपको उसकी उस जमाने में फिर से ले जाएगा। मैं अभी मेरा स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। तो आज का हमारा विषय है दादी माँ के नुस्खे और उनकी उनकी स्वास्थ्य की कुंजी आज हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या आप सभी इस त्योहार को पहचान पा रहे हैं? क्या आप स्वाति Can you see me now? Yeah, it's come. Okay. तो क्या आप लोग इस त्योहार को जानते हैं और इन व्यंजनों का आपने कभी ना कभी आनंद लिया होगा? तो आप बता सकते हैं कि ये क्या है और हम ये क्यों खाते थे? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति। हाँ, और ये तिल के लड्डू है, तो मतलब दक्षिण भारत में बहुत लोकप्रिय है, उत्तर भारत में शायद तिल लड्डू के जगह तिल बुग्गा, तिल पट्टी, मूंगफली पट्टी, ये सारी चीजें इस त्योहार में खाई जाती है। और दादी माँ या नानी माँ का कोई त्योहार ऐसा नहीं जाता था कि उस त्योहार से रिलेटेड कोई पकवान ना बने, और उस पकवान का बनना और खाना उसके पीछे भी उनके कुछ सोच थी। और वो क्या थी कि इस स्पेसिफिक त्योहार में हम जाते हैं उत्तरायण में, जिसमें कि हेलो जिसमें कि हमें और हमारे शरीर को बहुत ज्यादा खुशकी महसूस होती है, और उस खुशकी को दूर करने के लिए एक बहुत ही सरल और सुंदर उपाय हमारे दादी नानी ने सोच रखा था, जो कि है स्निग्ध पदार्थ। और वो किससे आते थे? तिल से। तिल या तेल, तेल ये शब्द ही तिल से आया है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी मात्रा में फैट या तेल का प्रमाण होता है, और जो कि हम बहुत आसानी से बहुत ही अच्छे और स्वादिष्ट तरीके से हमारे खान पान में ला सकते हैं। और इस तरह से उन्होंने इस सीजन चेंज या ऋतु चेंज में हमारे बॉडी के नीड को समझ के उस तरह से अपने खाने के तरीकों को, पकाने के तरीकों को चेंज किया और बहुत सरल तरीके से हमारे आदतों में डाला। मतलब हम ऐसे त्योहार इमेजिन ही नहीं कर सकते कि उस स्पेसिफिक पकवानों के बिना हम उसको कभी मनाएंगे भी। ये मतलब आनंद तो लेते हैं, लेकिन उसके पीछे की गहराई नहीं समझते। तो आज हम थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो दादी और नानी के खाने का स्वाद तो हमने लिया है, बट हमें ये समझने की जरूरत है कि उन स्वाद का और उसके स्वास्थ्य का राज किन किन चीजों में था। अगर हम देखेंगे, अब
हमारे लाइफस्टाइल जो है, हम थोड़ा क्विक कुकिंग, फास्ट प्रोसेसिंग, यू नो इजी ईट एंड गो, इस पे विश्वास करते हैं। लेकिन हमारी दादी नानी हमेशा घर के इंग्रेडिएंट्स या धान्य या इस तरह के यूज करके उसको घर में ही प्रोसेस करके ज्यादातर यूज करती थी। तो उसमें सबसे बड़ी चीज क्या था, यूज ऑफ होल ग्रेन्स, संपूर्ण अन्न। उसमें क्या होता है कि एक ब्रान होता है जिसको हम हिंदी में चोकर बोलते हैं, उसका एंडोस्पर्म होता है कॉटिलेडॉन, और उसका जर्म होता है जब वो अंकुरित होता है। तो ये तीनों चीजें मिला करके होल ग्रेन होता है, और होल का मतलब सिर्फ संपूर्ण नहीं, वो वाकई में न्यूट्रिशन के हिसाब से संपूर्ण होता है, क्योंकि वो हमें बहुत ज्यादा फाइबर प्रदान करता है, वो हमें बहुत ज्यादा विटामिन मिनरल प्रदान करता है, और न्यूट्रिशियस यू नो चीजें जो बाकी धान्य में होती है वो हमें मिलती है। और क्योंकि वो हमेशा आटा, फुल ग्रेन या यू नो अंकुरित सब्जियां, ऐसे सारी चीजें यूज करती थी, वो सारे के सारे तत्व हमें मिलते थे। उसी प्रकार उनकी कुकिंग बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक थी, मतलब हम अगर उनको देखें तो हम शायद ये अनुमान ना लगा पाए, बट वो आयुर्वेदा से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। वो हमेशा हर चीज ढक के बनाते थे, स्लो प्रोसेसिंग करते थे, क्योंकि उस जमाने में शायद उनके पास हाई फ्लेम कुकिंग स्टोव्स नहीं थे, और बहुत ही अलग तरीके से शायद वो पकाती थी। उस वजह से वो हमेशा अनजाने में, शायद उसका साइंस जाने बिना, लेकिन उनके न्यूट्रिएंट्स लॉक करते थे, जैसे कि हम एमवी न्यूट्रीलॉक कुकिंग रेंज में करते हैं, ठीक है। और वो हमेशा लोकल ताजे फल सब्जियां, और हमेशा मौसम के अनुसार। अब हम हमारे इच्छा के अनुसार ऑनलाइन ऑर्डर करके जो चाहे यू नो व्यंजन अक्रॉस द वर्ल्ड यूज करते हैं, डिप्स बनाते हैं, प्रोटीन हाई फैट कंटेंट करके एवोकाडो डिप बनाते हैं। क्या अभी आपने नानी दादी को ऐसे करते हुए देखा था? उसी तरह से हमारे पास प्रोटीन और फैट से भरपूर डिप्स है, जिसको कि हम कोकोनट चटनी बोलते हैं, जिसको कि हम पीनट चटनी बोलते हैं, कभी हम पराठे के साथ खाते हैं, कभी हम इडली के साथ खाते हैं, और इस तरह से वो हमेशा लोकल फ्रेश इंग्रेडिएंट से कुछ ना कुछ चटपटा बना करके हमारे खाने को है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाते थे। उनके कुकिंग टेस्ट प्रोसेसेस भी बहुत सिंपल और कारगर थे, कि जिससे कि उनके घर में जो भी उन्होंने अनाज रखा है, जो भी चीजें वो यूज करते हैं, उसको बहुत लंबे समय तक चला सके। कभी वो धूप में सुखा के रखती थी, कभी वो जैसे रवा, हम जनरली आजकल जितने भी चीजें होते हैं हम डीप फ्रीजर में डाल देते हैं ताकि जब यूज करना है उसको यूज करें, पर दादी नानी हमेशा रवा है तो उसको रोस्ट करके रखेंगे तो वो प्रोटेक्टेड रहेगा, उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। फ्रिज नहीं था, कुछ नहीं था, पर कभी खराब नहीं होता था। तो ये तरीके थे कि जिस तरह से उन्होंने उन नैसर्गिक चीजों को समझा, उसके तत्व को समझा, और हमारे प्रोसेस को चेंज किया ताकि उसका न्यूट्रिशन वो हमें बहुत अच्छे से दे पाए और हमें उस खाने से स्वास्थ्य दे पाए। तो प्लीज रिलेट कीजिए, क्या हम उस तरह से उतने एफर्ट डाल के हमारे खाने को और उसके तत्वों को रख रहे हैं, और नहीं रख रहे हैं तो हम कैसे रखें, ठीक है। अच्छा, ये स्लाइड देख के तो अभी आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा, बहुत ही ज्यादा चर्चा हो रही है इस साल इसकी। क्या आप बता सकते हैं इसको क्या नाम दिया गया है स्पेशली इस साल? श्री अन्ना। वेरी गुड, आई होप एटलीस्ट इसकी जो प्रचार हो रहा है WHO से हुआ हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हुआ हो, आयुष से हुआ हो, आप सभी ने अभी एटलीस्ट थोड़ा सा तो ट्राई किया होगा।
मुझे पता है वेस्टर्न इंडिया साउथ इंडिया में थोड़ा बहुत इसका प्रचार अभी भी है, लेकिन हाँ टू सम एक्सटेंट ये थोड़ा सा अभी हम कह सकते हैं कि फॉरगॉटन है। हाँ हमने कभी कभी इसको यूज किया है, लेकिन उसको बहुत ही तोड़ मरोड़ के फास्ट में यूज किया है। हाँ उसके खीर बना के, तो उसके जो बहुत सारे तत्व होते हैं ना वो हम उसको शायद तोड़ मरोड़ देते हैं, लेकिन इनमें बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है, जैसे कि सोर्स ऑफ फाइबर है, सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स है, एंटीऑक्सीडेंट है, और मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं एंटीऑक्सीडेंट कितने इम्पोर्टेंट है हमारे सेहत के लिए, हमारे स्किन के यू नो ग्लो के लिए। और ये सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं श्री अन्न, ग्लूटेन फ्री भी है, और उस वजह से लोग प्रिफर कर रहे हैं। तो चलिए और समझते हैं हम इसको, इसके हेल्थ बेनिफिट्स। तो आप सभी इतने दिनों से बहुत सारी चीजें सुन रहे हैं, तो आपने इतना तो अभी समझ लिया होगा कि अगर हाई फाइबर है तो उसको कितना अच्छा बेनिफिट मिलता है आपको विथ रिस्पेक्ट टू वेट मैनेजमेंट, बिकॉज इट यू नो हेल्प्स डाइजेशन। अगर कोई कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो कि ये श्री अन्न में बहुत अच्छे तरह से है, तो उसके वजह से उसका डाइजेशन स्लो होता है। अगर डाइजेशन स्लो होता है तो ब्लड में ग्लूकोज रिलीज स्लो होता है, और उससे जो स्पाइक आते हैं बॉडी में ग्लूकोज के, कोई भी मीठी चीज खाने से, प्रोसेस फूड खाने से, या बहुत ज्यादा तली हुई चीजें खाने से, वो नहीं होता। तो इस तरह से जो उसके गुण हैं उस वजह से वो अपने गुणों से बहुत सटली हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हेल्प कारक होते हैं, जैसे ग्लूकोज कंट्रोल, स्लो रिलीज ऑफ एनर्जी, क्योंकि ग्लूकोज जब ब्लड में जाता है हमें एनर्जी प्रदान करता है, अगर उसका रिलीज स्लो होगा तो वो सस्टेन होगा और हमारी एनर्जी भी पूरे दिन के लिए रहेगी। तो इस तरह से अगर हम इन खाद्यों को अगर हमारे खान पान के तरीकों में लाएं, तो डेफिनेटली जो उससे रिलेटेड कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट, बॉल मूवमेंट, कॉन्स्टिपेशन का ना होना, डिटॉक्सिफिकेशन, इनका लाभ हमें जरूर मिलेगा। अच्छा, और बहुत सारी रेसिपीज है, तो अभी हम चलो कुछ रेसिपीज देखते हैं और उसके कारण जानते हैं और उसका बेनिफिट हमें कैसे मिलेगा ये सोचते, तो शायद हम कोशिश करेंगे कि फिर से हम इनकी तरफ जाएं और एटलीस्ट ट्राई करें। हमारे दक्षिण भारत के और उत्तर भारत के लीडर्स मेरे ख्याल से दोनों चीजों में से कोई चीजों को तो जरूर समझ पाए होंगे, और शायद उनको उनका रीजन भी पता होगा। क्या कोई बता सकता है कि कभी इन्होंने ये ट्राई किया है? जरूर किया होगा। तो ये है जौर अम्बिल, तो ज्यादा करके दक्षिण भारत में यूज होता है, जिसमें कि बहुत जवार को फर्मेंट करके उसका कुक करके बनाया जाता है बहुत सारे हर्ब्स डाल के, और क्योंकि ये एक वन ऑफ द श्री अन्न है, इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होता है, अच्छी मात्रा में फाइबर होता है और ग्लूटेन फ्री होता है, तो ये बहुत ही अच्छा हमें सोर्स ऑफ एनर्जी एंड फूड देता है, जो कि जनरली समर सीजन में यूज किया जाता है ताकि यू नो गर्मी से राहत मिले, जैसे जलजीरा। मुझे नहीं लगता कोई यहाँ पे अनछुआ होगा जिसने कभी जलजीरा ना पिया हो, और वो भी इन दिनों में। तो डेफिनेटली इसमें जीरा है, जिसका नाम बताए उद्भव हुआ है जीरक, जिसका मतलब है पाचन को बढ़ाना। तो उसमें स्टमक कूलिंग इफेक्ट मिलता है हमें, और जैसे ही ये मिलता है डेफिनेटली वो डाइजेशन को हेल्प करता है और मसल को सूथ करता है, और एक
तरह से हम कह सकते हैं इसको एपेटाइजर है, भूख बढ़ाता है। और इस तरह से अगर क्या नहीं हुआ है, और एक तरीका था शायद नॉर्थ इंडिया में ज्यादा ना चलता हो ये तामसिक माना जाता है, पर साउथ इंडिया में बहुत होता है लहसुन। मेरे ख्याल से सभी को लहसुन के उपयोग और उसके गुण बहुत अच्छी तरह से पता होंगे, लेकिन बहुत से ट्रेडिशंस में लहसुन प्याज इनको थोड़ा सा चातुर्मास में या उन दिनों में कम खाया जाता है क्योंकि वो तामसिक होता है। लेकिन लहसुन के जो एलिसिन कंटेंट होता है, सल्फर कंटेंट होता है, उसके बहुत ही ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, मसल रिलैक्सेशन के लिए, आर्थराइटिक पेन के लिए। देर आर सम स्टडीज जो बताते हैं कि फैट रिडक्शन के लिए ये काम करता है, और बहुत अच्छा ये है कि डाइजेशन के लिए और वॉर्म कंट्रोल के लिए। लेकिन ये तो हमें पता है कि लहसुन ऐसे रॉ खाना बहुत असंभव है, और बच्चों को वॉर्म कंट्रोल करने के लिए उनको खिलाना बहुत, तो उसको धीरे से दूध में पका करके उसको दिया जाता है बच्चों को। और क्योंकि ये तामसिक है, गर्म तासीर है इसकी, तो कोल्ड कफ ऐसे चीजों को कंट्रोल करने में घरेलू उपाय दादी नानी इसका करती थी। और इसके क्योंकि ये फैट रिड्यूस करता है, तो लॉजिकली आप तो कोरिलेट कर पाएंगे कि आपका वेस्ट रिडक्शन, इंच लॉस, इसमें धीरे धीरे ये फायदेमंद करता है, और इसके बारे में बहुत सारे स्टडीज भी है। तो इस तरह से छोटे छोटे पदार्थों से या इंग्रेडिएंट से दादी माँ नानी माँ हमारे स्वास्थ्य का हमेशा ख्याल रखती आई है। अच्छा, लड्डू ये तो सबके प्रिय होंगे ही, क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं ये किस तरह के लड्डू है? अभी हम दिखा रहे हैं तो बस सिंपल लड्डू तो नहीं होंगे, जेट गुड़ चीनी वाले, कुछ ना कुछ तो स्पेशल जरूर होगा इसमें, क्या कोई बता सकता है कलर से? चलिए मैं ही राज खोल देती हूँ। तो एक है जो आपकी लेफ्ट साइड में दिख रहा है, मेथी के लड्डू है, जो कि बहुत सारे लोग जानते होंगे कि सर्दियों में खूब खाए जाते हैं। और मेथी का उपयोग पता नहीं कितने सदियों से हमारे देश में होता आया है फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ एंड अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, जैसे कि लिपिड पैरामीटर्स कंट्रोल करने के लिए, स्टेमिना के लिए, हेल्थ के लिए, बॉडी टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए एक या पेन में। तो बहुत सारे जो पुराने जमाने में पहलवानी करते थे या ऐसे, तो उन लोगों के खाने में भी बहुत ये यूज होता था। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं गोंद के लड्डू, तो गोंद के लड्डू सुनते ही आपको जच्चा बच्चा याद जरूर आएंगे, है ना? उसका न्यूट्रिशन वैल्यू, उसके साथ जो हम इतने सारे ड्राई फ्रूट्स डालते हैं और गुड़ के मीठेपन से उसको टेस्टी बनाते हैं, डेफिनेटली वो सारे गुण उसमें होते हैं। क्योंकि जब भी हम ये बनाते हैं उसकी प्रोसेसिंग बहुत कम होती है, भूनते तो जरूर है लेकिन इस मात्रा में नहीं कि उसके सारे न्यूट्रिशन खत्म हो जाए। और फिर उसके बाद जो उसके गोंद से या ड्राई फ्रूट से जो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव होता है और स्किन के लिए बेनिफिट मिलता है, बेसिकली पोस्ट प्रेगनेंसी ये बहुत ज्यादा महिलाओं को हेल्प करता है। और महिलाओं तो क्या, उनके साथ साथ पूरा घर ही इसको है ना रिलिश करता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे पुरखों ने इसको हमारे खाने में डाला है। अच्छा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगाथी, तो
जितना हमारा बड़ा देश है ना उतने ही हमारे बड़े रिचुअल्स है। कहीं एकादशी की पूजा होती है हर 15वें दिन में, कहीं चतुर्थी होती है, कहीं कुछ होता है, बट फास्ट और बहुत सारी चीजें तो होती ही रहती है। और जब हम वो फास्ट करते हैं ना, जैसे कि हम करते हैं चिप्स और बाकी सारी चीजें खा के, वैसे नहीं, वो रियल में फास्ट करते थे, तो उनका स्टमक को रियल इंटरमिटेंट फास्टिंग का रेस्ट मिलता था, और उसके बाद उसी के साथ, उस फास्ट के साथ एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाता था। तो उसको एनर्जी को रिकवर भी करना है, बट पेट को बहुत ज्यादा जोर भी नहीं डालना है। तो अगाती मेरे ख्याल से तमिलनाडु और उस रीजन में बहुत ज्यादा यूज करा जाता है फास्ट के बाद, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन, लाइट फॉर डाइजेशन इस चीज के लिए, और उससे बहुत ज्यादा सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और इसके बारे में बहुत सारे स्टडीज भी किए हुए हैं जो बताते हैं कि हाँ ये कितने फायदेमंद है। आम के छिलके की चटनी, आम तो आम गुटलियों के दाम, ये तो आपने सुना ही होगा ना, तो नानी और दादी इसको कैसे, छिलके को कैसे छोड़ती, तो छिलके की चटनी बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है मेरे ख्याल से वेस्टर्न इंडिया में, साउथ इंडिया में, और उसमें बहुत ज्यादा मिनरल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करने के लिए, रिड्यूस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, और विटामिन सी, मतलब कच्चे आम में विटामिन सी है, ये शायद छोटा बच्चा भी बता दे। तो ये सारा जो कॉम्बिनेशन है उससे बहुत ज्यादा हमारे खाने में बहुत इजी तरीके से, और हम तो इसके चटपटे स्वाद से ही खा लेते हैं और बच्चे भी, तो इसलिए ये सारी चीजें डाली गई हैं। अच्छा, तो चलते हैं थोड़ा सा पूर्व की तरफ। तो मणिपुर में बहुत ही अच्छी न्यूट्रिशियस रेसिपी है जिसको बोलते हवाई जार। तो ये बेसिकली होता है सोयाबीन फर्मेंटेशन से, क्योंकि होल सोयाबीन फॉर अस डाइजेशन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो उन्होंने उसमें दिमाग लगाया कि इसको अगर हम फर्मेंट करें होल तो वो डाइजेशन के लिए भी सही होगा, उसके जो प्रोटीन, अमाइनो एसिड और बाकी सारे होल ग्रेन में न्यूट्रिशियस इंग्रेडिएंट्स है वो भी हमारे को बिना लूज किए मिल जाएंगे, तो वो हमारा पकवान भी डाइजेस्टेबल हो गया, उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी बहुत अच्छी तरह से बन गई। तो देख रहे हैं आप, प्रोसेस बहुत सिंपल है। हमें लगता है कि चलो आज के दिन हमने कल के नाश्ते की तैयारी कर ली, वो तो हो ही गया, बट उसके साथ साथ बायो अवेलेबिलिटी और कितने साइंटिफिक तरीके ने उन्होंने हमें फाइबर, अमीनो एसिड और न्यूट्रिशियस चीजें खिलाई और स्वाद भी दिया। इंदूरी पीठा, ये हल्दी पत्र में बनाया गया एक फर्मेंटेड राइस और उड़द दाल का पकवान है, और देखिए राइस है, कार्बोहाइड्रेट है, दाल है, प्रोटीन है, होल है, फर्मेंटेड है, बायो अवेलेबिलिटी बढ़ गई, फाइबर आ गया, बैलेंस आ गया कार्बोहाइड्रेट, लेकिन वो फर्मेंटेशन का एक थोड़ा सा टेस्ट होता है, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, हल्दी के पत्तों से, मतलब उसका जो अरोमा आता है प्रोडक्ट में और उसके हर्बल इंग्रेडिएंट से जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हल्दी की उसमें आती है, उसका मतलब इतना दिमाग लगा करके उन्होंने इस तरह से, एक तो प्रेजेंटेशन बहुत सुंदर हो गई, अरोमा एपेटाइजिंग हो गया और बैलेंस ऑफ कार्ब और प्रोटीन मिल गया, और क्या चाहिए, है कि नहीं। तो ये विंटर में, और मतलब हाउ एपेटाइजिंग दैट वुड बी टू इंक्लूड इन द योर डाइट। बाले डिंडू पायला, तो ये हमारे लिए भी थोड़ा नया था। मेरे ख्याल से कर्नाटका और उस रीजन में ये बहुत ज्यादा तरीके से यूज किया जाता है, बहुत न्यूट्रिशियस होता है। और ये होता क्या है, केले के स्टेम का, मतलब बहुत सारे लोगों ने शायद ये सोचा भी नहीं होगा कि इसका भी यूज होके बहुत न्यूट्रिशियस और बेनिफिशियल चीज बना सकते हैं। तो केले का पेड़ का जो
स्टेम है, बहुत लोगों ने देखा होगा, बहुत फाइबर होता है उसको सुखा के और उसको रोप्स वगैरह बनाने में भी यूज करते हैं। तो उसको जब वो कच्चा होता है, टेंडर होता है, तब उसकी सब्जी बनाई जाते हैं और डेफिनेटली फाइबर तो होगा ही और बड़ा बकबका सा टेस्ट होता है, तो रिड्यूस एपेटाइट करता है। ऑफकोर्स उसको तड़का वगैरह लगा के टेस्टी बनाया जाता है, और जब वो एपेटाइट कंट्रोल करता है, फाइबर होता है, तो वेट मैनेजमेंट तो हेल्प करेगा ही करेगा, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए इसीलिए हेल्प करता है। और जिनको क्या कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है, उनको हेल्प करता है। और क्योंकि ये स्लो कॉम्प्लेक्स फाइबर है, डाइजेशन स्लो होता है, तो ग्लूकोज लेवल मेंटेन करने में भी आराम करता है। जैकफ्रूट सीड्स चटनी, नॉर्थ इंडिया में लोगों ने बहुत बार जैकफ्रूट की सब्जी खाई होगी। मेरे ख्याल से साउथ इंडिया में ज्यादातर पका हुआ जैकफ्रूट खाया जाता है, बट गुटली को ही नहीं फेंकता, गुटली का भी यूज होता है। और गुटली को जनरली यू नो दाल के साथ और बाकी चीजों में, बट उसकी चटनी भी बनाई जाती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा, मतलब आप समझ सकते हैं, अगर कोई बीज इतना बड़ा पेड़ बनाता है तो उसमें पोषण तत्व कितने होंगे, और वो पोषण तत्व का यूज करना बहुत जरूरी है। तो फाइबर है, तो प्रीबायोटिक है, तो आपके गट हेल्थ है, उसको मेंटेन करने के लिए आप प्रोबायोटिक्स लेते हैं और इस तरह की चटनी खाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि सीड से तो बहुत ज्यादा मात्रा में फाइटोकेमिकल्स होते हैं, प्रोटीन होता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, और मेरे ख्याल से इसमें थायमिन एंड राइबोफ्लाविन भी होते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा एनर्जी के लिए जरूरी होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो हमारे इंडियन डिप्स है ना, वो किसी वेस्टर्न डिप को बहुत अच्छी तरह से मात दे सकते हैं। उसमें रिफाइंड ऑयल की जरूरत नहीं है, हमें नेचुरल फैट है, नेचुरल प्रोटीन है और बहुत ज्यादा फिनोलिक्स है। तमिलनाडु के ये देश जिसको अजवाइन रसम, ओमम रसम बोलते हैं, और अजवाइन कोई नया इंग्रेडिएंट नहीं है। अजवाइन को डाइजेशन के लिए, गैस कंट्रोल करने के लिए और उसके फाइबर को वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी तरह के जाता है। और रसम तो पिया ही जाता है खाने के साथ, उससे पहले, तो यू कैन इमेजिन किस तरह से वो डाइजेशन को हेल्प करेंगे। और डाइजेशन अच्छा है तो उसका मतलब जो हम खा रहे हैं उसका न्यूट्रिशन हमारी बॉडी अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएगी और उसके बेनिफिट हमें मिलेंगे। बटर मिल्क, मुझे नहीं लगता यहाँ कोई होगा जिसे ये पता नहीं होगा, मतलब इस गर्मी के मौसम में अगर कोई दोपहर में आपको एक ग्लास बटर मिल्क दे तो उससे अच्छा मतलब अमृत ही है वो, और इसीलिए वो जाना भी जाता है अमृत ऑन द अर्थ। तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, एसिडिटी रिड्यूस करने के लिए, हमें ख्याल से जिनको बवासीर होती है उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है, और हाइड्रेशन तो होता ही है क्योंकि बहुत सारा मात्रा में पानी है इसमें, वे है इसमें, और प्रोसेसिंग इसकी ऐसी है कि प्रोबायोटिक्स का भी बेनिफिट होता है, तो ब्लड प्रेशर रिड्यूस करने में भी ये कारगर होता है, और इसके बारे में काफी सारे रिसर्च भी किए गए हैं और उपलब्ध है। हर्बल जूस प्रयोगा, तो ये बेसिकली बहुत ही यूनिक चीज है, ज्यादातर साउथ इंडिया में यूज होती है और बड़ी ही न्यूट्रिशियस होती है। अब ये हर्बल होता क्या है, ये होता है नारियल का इन्फ्लोरेसेंस। कई लोगों ने देखा होगा नारियल आने से पहले उसके सुंदर से गुच्छा आता है और उसके बाद नारियल आते हैं, तो इस गुच्छे में आप सोचिए कि नारियल में इतने न्यूट्रिशन है, लॉट ऑफ गुड फैट्स, हाइड्रेशन, मिनरल्स, बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट है वो इस तरह से, और उसके फूल में तो फिर कितने होंगे न्यूट्रिशन। और ये बहुत एनर्जी और
प्रोलॉन्ग इलनेस के लिए या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दिया जाता है क्योंकि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू. लेकिन देखिए ये बहुत ही कम जगह यूज किया जाता है क्योंकि इन्फ्लोरेसेंस को आप खत्म करोगे तो आप फल कहाँ से पाओगे. तो बहुत ही लिमिटेड जहां पे और कोई काम नहीं करेगा ऐसे जगह पे यूज होता है. आपके राइट हैंड साइड में आप एक ग्लास में बहुत सुंदर सा ड्रिंक देख रहे होंगे जिसको सोल कड़ी कहते हैं. मतलब रियली अगर किसी ने टेस्ट किया होगा ना तो इंग्लिश वर्ड सोल कड़ी ऐसे भी बोल सकता है, इतना सोलफुल होता है ये. इसका टेस्ट ये डाइजेशन में मदद करता है और मेरे ख्याल से जो नॉन वेजिटेरियन है ना स्पेशली महाराष्ट्र कर्नाटका गोवा कारवारी इस बेल्ट के ये तो इसको भूल ही नहीं सकते. संडे के दिन नॉन वेज के बाद जो सोल कड़ी पीने का मजा है वो उसके अलावा और कोई मजा है नहीं. और ये इतना क्यों अच्छा है, बनती कैसे है सोल कड़ी, नारियल का दूध और बहुत ही खास इंग्रेडिएंट है जो आपने भी अभी जाना होगा कोकम, जिसको के अंग्रेजी नाम है गार्सिनिया. तो आप रिलेट कर पा रहे हैं गार्सिनिया और कोकोनट फैट और कोकोनट मिल्क इसका संगम, तो वो डाइजेशन के लिए कितना अच्छा होगा, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कितना अच्छा होगा. और गार्सिनिया अगर है उसमें तो किस तरह से वो फैट को रिड्यूस करता होगा. और लॉजिक देखिए, नॉनवेज खाने के बाद एक ग्लास सोल कड़ी लेना मतलब उसके साथ जो आपने फैट खाया है उसके साथ जो आपके पास डिफिकल्ट डाइजेस्टेबल प्रोटीन है उसको आपको डाइजेस्ट करना है, कितना सुंदर उपाय है. तो इट रियली हेल्प्स मेंटेन वेट. तो अगर कोई वेजिटेरियन है और सोल कड़ी लेता है तो उससे न्यूट्रिशियस स्किन हेल्दी और डाइजेस्टिव मेरे ख्याल से कोई दूसरा ड्रिंक नहीं है. तो मेरे ख्याल से ये इतने सारे हमने रेसिपीज बताए आपको तो उसके पीछे का थोड़ा सा साइंस भी देख लेते कि दादी माँ के हाथों का स्वाद और उससे मिलने वाला स्वास्थ्य, तो इसका रीजन क्या है और हमारे आज के खाने से उस खाने में ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन होने का रीजन क्या है, एक बारी हम समराइज कर लेते हैं. तो हम तो अभी यूज करते हैं जनरली प्रोसेस रिफाइंड ऑयल और हमारी नानी दादी यूज करती थी कोल्ड प्रेस ऑयल जिसको बहुत ही कम मात्रा में प्रोसेस किया जाता था, उसके न्यूट्रिएंट्स उसमें होते थे और वो बहुत अच्छे तरीके से खाने में कम मात्रा में यूज होता था, उससे हम खाना बनाते थे तो उसके सारे गुण हमारे खाने में आ जाते थे. होल ग्रेन होते थे जिसके के पूरे बेनिफिट्स उस खाने में आ जाते थे. बैलेंस ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता था क्योंकि वो होल ग्रेन्स होते थे और उनके कॉम्बिनेशन जैसे राइस के साथ राजमा, दाल के साथ उड़द दाल, राइस के साथ उड़द दाल, तो कार्ब प्रोटीन हर्ब्स फाइबर इस तरह का मिश्रण होता था तो अपने आप में वो खाना बैलेंस हो जाता था. बहुत सारे प्रकार के टेस्ट यूज किए जाते थे, मतलब चटनी होगी, कुछ सलाद होंगे, दाल होगी जो प्रोटीन देगी, कार्बोहाइड्रेट्स होगा जो रोटी से या चावल से आएगा, कुछ अचार, करेला, ऐसे अलग अलग स्वादों के जिसमें कड़वा होगा, खट्टा होगा, मीठा होगा और फर्मेंटेड होगा, तो वो सारे तरह के डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को बायो अवेलेबल करने के प्रकार है तो उस वजह से वो हमें हेल्थ में हेल्प करते थे. फिर बहुत सारे हर्ब्स वो यूज करती थी जैसे पालक के साथ दाल या मेथी इस तरह से, तो फाइबर मिलता था, उसके गुण मिलते थे और वो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाए हुए सब्जियां होती थी तो न्यूट्रिशन लॉक होता था. इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेडिकेटेड ड्रिंक, सिरप्स कभी यूज होते नहीं थे
जनरली काढ़ा हो गया, जलजीरा हो गया, नींबू पानी हो गया, शिकंजी नहीं, सोडा और शुगर का डोज नहीं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें छोटी छोटी है लेकिन उसके फायदे, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा, वैसे छोटे छोटे चेंजेस से या उनके तरीकों से वो बहुत बड़े बेनिफिट हम लोग को डिलीवर करते थे बहुत सिंपल खाने से। तो सिंपल आहार जो के किसी भी व्यक्ति को खाने वाले को वो स्वास्थ्य डिलीवर करता था। तो मेरे ख्याल से उनके लिए एक बहुत तो बनता है कि कितने अच्छे तरीके से साइंस को यूज करके उन्होंने अपने खाने से हमारे स्वास्थ्य का रास्ता खोला। तो मेरे ख्याल से हम इतना बता रहे हैं आपको, ये सुनते सुनते आपको बहुत सारी अपनी अपनी नानियों दादियों की रेसिपीज याद आई होगी कि जिसमें बहुत ही डिफरेंट तरह का स्वाद था, डिफरेंट बेनिफिट था, या किसी स्पेसिफिक ओकेजन में वह बनाते थे। तो हम जरूर सुनना चाहेंगे आपसे कि कौन सी ऐसी आपकी पसंदीदा रेसिपी है जो कि हेल्थ और न्यूट्रिशन के मामले में बहुत ही अच्छी है। बाटी चोखा, ओके, रनाडिया ज्वार, ओके। अंकिता जी इसका रेसिपी जरूर भेजिए हमें। देव कुमार सिंह पालक पनीर, ओके। रबड़ी ऑफ ज्वार, ओके। पंजीरी, ओके। तंदूरी पीठा, ओके। सो नेहा, आई थिंक आपके पास बहुत सारे रेसिपीज अभी जल्दी ही आने वाली है और हम नया ज्ञान पाने वाले हैं। एब्सोल्युटली डॉक्टर स्वाति, थैंक यू वेरी मच।